तो अभी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया। समस्तीपुर से निकले, वहाँ से निकले तो एक आप बोले थे 5 रुपया लेंगे, लौटा दीजिए ना 5 रुपया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज हम जा रहे हैं पंजाब, समस्तीपुर को छोड़कर। और कहाँ जा रहे हैं तो वीडियो में आप बने रहिए, सभी बातें बताएंगे। और फिलहाल हमारा जो ट्रेन है अभी आ चुका है और ट्रेन में हम बैठेंगे और आपको सारी बातें बताएंगे। और ये मेरा ट्रेन का इतना दूर का पहला सफ़र रहेगा, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। भाई साहब, सीट भी मुझे मिला एकदम मस्त, आपको दिखा रहे हैं। बगल में बाथरूम रहेगा और बाथरूम के जस्ट बगल में मेरा सीट मिला है, तो जान ही रहेंगे आप लोग। कुछ इस प्रकार हमारा सीट रहेगा, बगल में आप यहाँ देख सकते हैं और उसके ऊपर दोनों मेरा ही सीट है। हम तो सोच रहे हैं आज का जो मेरा जर्नी होगा समस्तीपुर से पंजाब जाने का, कैसे कटेगा। पूरा 28 घंटा का रास्ता रहेगा, पता नहीं कैसे कटेगा। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, आपका जो एक्सपीरियंस होगा, यह मेरा पहला इतना दूर जाने का जो सफ़र है यह मेरा पहला रहेगा, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। पानी तो लेना हम लोगों ने भूल गया है, तो सोचा कि ये स्टेशन पर से एक पानी ले लेते हैं। यहाँ पर पानी मिल ही रहा है तो यहाँ पर पानी ले लेते हैं। भैया एक पानी दे दीजिएगा, पानी दे दीजिएगा। पानी फिलहाल पानी ले लिए हैं और पानी का रेट जो है यहाँ पर 15 रुपया पड़ता है, और घर से पानी लाना भूल गए थे तो यहीं पर पानी लेना पड़ा मुझे। तो फाइनली आज का जो मेरा जर्नी है समस्तीपुर से स्टार्ट हो गया है और कल शाम 4 बजे हम पंजाब में पहुंचेंगे। तो रास्ते में क्या होता है ट्रेन में, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और समस्तीपुर स्टेशन पर तो वहाँ का जो पुलिस अधिकारी था, उन्होंने बोला कि जब आप पर्सनल ब्लॉगिंग करते हैं तो वीडियो यहाँ पर आप नहीं बना सकते। पता नहीं क्या रूल होता है जिस कारण से वहाँ का वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाए, तो डायरेक्ट आप ट्रेन का जो वीडियो होगा आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। समस्तीपुर के बाद जो हम लोगों का दूसरा स्टॉपेज अभी मुजफ्फरपुर में है, यहाँ 5 मिनट गाड़ी रुकेगी उसके बाद चलेगी। खाने के लिए कुछ सामान भी लेकर आए थे, तो अभी देख लीजिए मैगी है और कुछ देर के बाद बिस्किट भी खाएंगे। अभी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया। समस्तीपुर से निकले, वहाँ से निकले तो एक हिजरा मिली, मुझे मालूम था कि वो पैसा लेगी तो 10 रुपया अस्थिर से दे दिए। फिर मुजफ्फरपुर से जैसे ही क्रॉस किए, चेंज नहीं था तो 100 रुपया दिए, उसमें से 90 रुपया काट लिए। अब बताओ, मेरा तो पोपट ही पोपट हो रहा है, आप लोग बताओ क्या करें। अगला बार आए तो देंगे कि नहीं देंगे, झगड़ा कर लेंगे कि या क्या। हो भैया जी, खाने के लिए कुछ दे दीजिए, हो मेरा सारा पैसा हिजरा ले लिया हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई साहब, अभी 3 ही घंटा हुआ है, मेरा हालत ख़राब हो गया इस ट्रेन में। और मुझे तो ट्रेन में हमेशा भूख ही लगता है, तो बिस्कुट आर लाए हैं तो बिस्कुट अभी फ़िलहाल खाएंगे। और 10 मिनट तो नहीं, 1 घंटा पहले ही अभी मैगी खाए हैं और 1 घंटा बाद फिर से भूख लग गया, तो बिस्कुट खा रहे हैं। ट्रेन में तो आपको आवाज़ उतना अच्छा नहीं आ पाती होगी, क्योंकि ट्रेन जब चलती है तो यहाँ पर ज़्यादा ही आवाज़ वो हो जाती है। तो जैसे ही अभी जैसे ट्रेन रुका हुआ तो आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं आए हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, किसी भी वीडियो का कोई भी वीडियो बनता है तो सबसे पहले हम वहीं पर अपडेट देते हैं। तो जल्दी से आपको यहां पर आईडी मिल रहा है, उस आईडी पर जाइए और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। और अभी आप लोग देख रहे हैं फिर से मेरे साथ पोपट हो गया, फिर से 10 रुपया चल गया ट्रेन में। ये तो सबसे बहुत ख़राबी हुआ, हमेशा हमेशा 10-10 रुपया जा रहा है। मज़ा आया, पूरा पैसा जोर कर आपको बताएंगे। अभी तक 3 आई थी, 1 जगह 10 लिया है, उसके बाद 90, उसके बाद 10, तो टोटल अभी तक 110 रुपया हो चुका है। और पंजाब जाने तक देखते कितना पॉकेट मेरा निकलता है, खर्चा होता है। 4 घंटा में फिलहाल मुझे 110 रुपया देना पड़ गया है, और पता नहीं पंजाब पहुंचने तक मुझे कितना पैसा और देना पड़ जाएगा।
लो भाई कर लो भाई, हम थोड़ा आए थे ऊपर सोने के लिए और नीचे का मेरा सीट जब्त हो गया। कोई नहीं, जब नीचे जाएंगे तो पास करना है। ये लोग तो स्लीपर को पूरा जनरल बना चुके हैं, ये देख लीजिए। भाई साहब, मेरा थोड़ा चेहरा का हालत देखिए क्या हो चुका है। अभी बाल बाल देख लीजिए क्या हो चुका है, और मेरा चंदन कहाँ गया पता भी नहीं चल रहा है। नेक्स्ट जो आएगा स्टॉपेज वहाँ पर थोड़ा उतरेंगे स्टेशन पर। पूरा पैर आर तो जाम हो चुका है, बैठे बैठे क्या बताएं आप, बहुत हालत ख़राब हो चुका है। अभी पूरे 6 घंटा हो चुका है और शाम का भी टाइम हो चुका है, तो स्टेशन पर थोड़ा देर के लिए निकलेंगे अगर ज़्यादा देर का स्टॉपेज रहता है तब। और आपको कौन सा स्टेशन पर निकलेंगे वो भी आपको बता देंगे। और फिलहाल शाम हो चुकी है, आप सब देख सकते हैं, और ऐसा कुछ नज़ारा है, शाम का टाइम है इधर। इससे अच्छा तो रहेगा कि आप लोग एसी में ही आइए, क्योंकि स्लीपर का जो टिकट होता है उससे दुगना चार्ज लग जाएगा स्लीपर में, और एसी में तो आधा ही लगेगा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एसी में आइएगा, नहीं तो अगर आप स्लीपर में आते हैं तो आपको दुगना पैसा लग जाएगा। और दुगना पैसा कैसे लगेगा, तो यहाँ पर जो हिजरा आता है इसको तो अब इज्जत देंगे नहीं, क्योंकि 125 रुपया अभी तक लग चुका है मेरा, तो इसको हिजरा 130 लग गया, तो 130 रुपया लग गया है, तो हिजरा को अब हिजरा ही कहेंगे। तो आप लोग एसी में ज़्यादा सफ़र कीजिए, क्योंकि स्लीपर में तो पैसा दुगना लगेगा ही लगेगा आपको। वैसे तो नहीं खाए थे मैगी और बिस्कुट खाए थे, और शाम हो चुका है तो सोचे अभी थोड़ा घर से जो खाना पीना आया था वो खा लेते हैं। और खाना में तो रोटी भुजिया ही होगा शायद, क्योंकि अभी तक देखे भी नहीं है, तो खोल के देखते हैं क्या है खाना में। लो भाई, जो बोले वही हुआ, रोटी और क्या है इसमें, भुजिया, यही दोनों होगा। चलिए खाते हैं जो मिल रहा है। मेरे खाने वक्त इन लोगों को आना था, पूरा भीड़ कर दिया। तो फिलहाल अभी हम स्टेशन से उतर गए हैं, और ये जो स्टेशन का नाम है आजमगढ़। और वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को एक लाइक कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी तो मेरा आधा ही जर्नी हुआ है, पूरा जर्नी तक आप बने रहिएगा। कैसे है समोसा? 20 रुपये है। 20